नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज 5 अगस्त के करंट अफेयर और जानते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले हम देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे जो है वह, देखिए हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, लेकिन जो बदलाव है वह सकारात्मक होना चाहिए न कि नकारात्मक। ठीक है, चलिए इसी की तरफ आज हम रिवीजन ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। और हुआ तो 1 या 2 मिनट के सेशन में रिवीजन क्वेश्चन अलग से मैं एक वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोहम्मद इरफान अली को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए ऑप्शन है गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला और ब्राजील। मैं आपको बता दूं ये सारे जो देश हैं यह दक्षिण अमेरिकी हैं, दक्षिण अमेरिकी देश हैं ये। ठीक है, तो यह जो चुने गए हैं मोहम्मद इरफान अली, तो वह चुने गए हैं गुयाना के। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो इरफान अली जो है, मोहम्मद इरफान अली, यह पूर्व में आवास मंत्री रह चुके हैं गुयाना के, और यह राष्ट्रपति रूप में अभी चुने गए हैं, और यह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, गुयाना की मुद्रा है गुआनीज डॉलर, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मोसेस नारुमुतु। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वह है महिला विश्व टीम जो है स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन 2020 में किया जाना है। तो ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा हमारा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है वह है मलेशिया, और चौथा ऑप्शन है वह है इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मलेशिया। इसका जो सही उत्तर है वह है मलेशिया। अब देखिए भारत ने अपने जो खिलाड़ी थे उनको समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण, मतलब वहां यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, और इसी लिए जो 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली जो महिला विश्व टीम जो स्क्वैश चैंपियनशिप होने वाली थी उससे हटने का निर्णय लिया है। जो इसका निर्णय हटने चैंपियनशिप से हटने का जो निर्णय लिया गया हुआ है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। ठीक है, और देखिए भारत के जो खेल मंत्री वहां है किरण रिजिजू, और स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ सारंगी, और इसका जो मुख्यालय है वह है चेन्नई तमिलनाडु में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी की याद में सिक्के निकाले किस देश के द्वारा महात्मा गांधी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो उत्तर है वह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका जो सही उत्तर वह है ब्रिटेन। अब इसके बारे में जानते, देखिए जो BAME समुदाय है मतलब ब्लैक एशियंस एंड माइनॉरिटी इथिक्स के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने का विचार कर रहा है। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने BAME समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को एक पत्र जारी किया, और इस आदेश का इसको याद करते हुए गांधी जी के याद में सिक्का लॉन्च करने का इन्होंने बोला था। ठीक है, अब देखिए जो ब्लैक एशियन और माइनॉरिटी एथिक्स के जो बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका में हाल ही में जो एक अमेरिकी मिनियापोलिस जो वहां की पुलिस का है पुलिस अधिकारी द्वारा एक अशुद्ध व्यक्ति जिसका नाम आपने सुना होगा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होने के बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों में रोष उत्पन्न हुआ था। ब्रिटिश संस्थान जो थे हाल ही में विरोधों के कारण इतिहास, उपनिवेशवाद, नस्लवाद के वैश्विक पुनर्मूल्यांकन के हिस्सों के रूप में अपने अतीत को फिर से जांच शुरू कर दी गई है। तब से कई संगठनों ने अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक जातीय समुदायों की मदद करने और नस्लीय विविधता का समर्थन करने के लिए निवेश करने की पहल की है। हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद नस्लवाद, उपनिवेशवाद और पुलिस क्रूरता के खिलाफ जो है वहां पर बहुत ही
व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हुआ है, किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है? इंदिरा रसोई योजना, तो यह ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाल ही में अपने अधिकारियों को जो उन्होंने 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप जो है संकल्प को साकार करने के दिशा निर्देश में यह कदम है। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को ₹8 प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष ₹100 करोड़ खर्च करेगी। ये जो जो योजना चलाई गई है इंदिरा रसोई योजना, यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के नाम पर बनी है। इंदिरा रसोई योजना के तहत 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोईयों में चलेगी। योजना के तहत देखिए 100 ग्राम दालें, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती, अचार का एक मेन्यू जो है 4.87 करोड़ लोगों को परोसा जाएगा। जबकि नोवल कोरोना वायरस से प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। भोजन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य और जिला स्तर पर एक निगरानी समिति भी बनाई जाएगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी जो होंगे मोबाइल फोन पर कूपन के रूप में योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। भोजन तैयार करने की निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन और सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने आईपीएल 2020 जो है 13वां संस्करण का आयोजन किस देश में करने की अनुमति दी है? ऑप्शन है यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है वह है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो भारत का एक मतलब क्रिकेट के उस क्षेत्र में होने वाला बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। यह इसका 13वां संस्करण जो भारत में होने वाला था 19 सितंबर से 10 नवंबर तक, तो इसको पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यूएई में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला टी20 चैलेंज की मेजबानी करने का भी फैसला, मतलब जो महिला टी20 चैलेंज होंगे वह भी यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में ही होने वाले हैं। टूर्नामेंट जो 3 स्थानों में होंगे, दुबई में होगा, अबू धाबी में होगा और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में किसी भी दर्शक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने ब्रॉडकास्ट के अनुरोध पर टूर्नामेंट के फाइनल को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का पहला बिग डे फाइनल होगा। और इसकी जो जो फ्रेंचाइज जो लोग लेंगे उसमें प्रत्येक जो है 24 खिलाड़ियों की सीमा रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन थे, ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका जो सही उत्तर है वह है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है वह विश्वभूषण हरिश्चंद्र, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना। 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए ऑनलाइन जो जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिला लड़के और आम जनता को प्रशिक्षित करना है। इस तरह ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
इसके लिए राज्य पुलिस और सीआईडी ने लेटेस्ट मैक अगेंस्ट अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, भारत सरकार ने जीआई प्रमाण पत्र हाल ही में किस उत्पाद के लिए जारी किया है? देखिए, पश्मीना शॉल, कक्कड़नाथ, रसगुल्ला और केसर। इसका भी सही उत्तर है वह है केसर, वह भी कश्मीरी। अब देखिए, उसके बारे में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में यह केस उगाई जाने वाली केसर है, जो बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। हाल में केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते वहां के जो उपराज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा था कि यह कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर को प्रमाण पत्र के साथ विश्व मानचित्र पर लाने की भी दिशा में एक पहल है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद उसका नाम इस्तेमाल कोई और नहीं कर पाएगा। भौगोलिक संकेतक है। प्रमाण पत्र मिलने से कश्मीरी केसर जो है उसमें मिलावट नहीं की जा सकेगी और खरीददारों को प्रमाणित सामग्री तथा किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो है राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और आईटी राज्य मंत्री जो है संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया। इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। और देखिए, भारत एयर फाइबर सर्विस जो है अकोला और वाशिम जिले में बीएसएनएल के स्थानीय व्यापार साझेदारों के जरिए पेश किया जाएगा, जो अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार सतत तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा जो है प्रदान करेगा। बीएसएनएल अपने स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा पर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन जो है, शशिधर जगदीश चंद को किस बैंक का सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और एचडीएफसी। इसका जो सही उत्तर है वह है एचडीएफसी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के प्रमुख जो कार्यकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। 1996 से एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर रहे शशिधर जगदीशन आदित्यपुरी, जो अभी जो सीईओ है वो आदित्यपुरी, उनका स्थान जगदीश शशिधर लेंगे। आदित्यपुरी जो पिछले 25 वर्षों से बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्हें बैंक को इस मुकाम तक पहुंचाने में और संपत्ति के मामले में निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने में अहम योगदान दिया है, जो 20 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले बैंक जो है बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तीन उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की थी, जिसमें शशिधर जगदीश चंद, कैजाद भरूचा और सुनील गर्ग ना के नाम शामिल थे। लेकिन एचडीएफसी की बात करते हैं, एचडीएफसी जो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसमें करीबन 1 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका जो मुख्यालय वह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। आज के क्वेश्चन इतने ही, और इसका पीडीएफ आपको 12 बजे तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पुराने वीडियोस के जो पीडीएफ थे वो नहीं मिल पाए थे, मैं एक दिन सारे इनका टेलीग्राम ग्रुप में डेट वाइज आपको मिल जाएंगे। आपको यह सेशन कैसा लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो अपनी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर दें, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।